नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मिस्ट्रीज ट्यूब पर। इस चैनल पर मैं आपके लिए लाता रहता हूं अनसुनी और डर का एहसास कराने वाली डरावनी कहानियां। दोस्तों, कहानी को पूरा सुने। अगर कहानी पसंद आए तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर हमारी दूसरी वीडियोस को भी जरूर सुने और उनका मजा लें। चलिए अब शुरू करते हैं अपनी आज की कहानी को। बिजू अपने माथे से पसीने की बूंदें पोंछते हुए जेठ की कड़ी दोपहरी में पूरी ताकत से भाग रहा था। भागता भी क्यों ना, आखिर इतने साल इंतजार करने के बाद विजू की शादी जो तय हो गई थी। जूनागढ़ के खंडरों की खुदाई में वो इतना बिजी हो गया था कि शुरू के कई महीनों से अपने गांव में वो लड़की देखने नहीं जा पाया था। बस पिछले हफ्ते ही वो गाँव गया था और भगवान की कृपा से बात पक्की हो गई थी। मेघा से उसकी सगाई पक्की हो गई थी और अभी मंगलू ने बताया, सर कोई मेघा जी का फ़ोन है आपके लिए। ये बात सुनकर खुशी से पागल हो उठा था विजू। विजू भागता हुआ फ़ोन के पास पहुंचा और मेघा से बात करने लगा। अब शादी की खुशी से या सूरज की गर्मी से, पर विजू के लाल गाल दूर से ही चमचमा रहे थे। विजू ने 3 साल पहले ही आर्कियोलॉजिस्ट की पढ़ाई पूरी की थी और तभी से उसके माता पिता उसके लिए रिश्ता ढूँढ रहे थे। कुछ 25-30 मिनट विजू फ़ोन पर ही लगा रहा। भयानक गर्मी में इतनी देर शीशे के डब्बे में खड़े खड़े विजू पसीने से तरबतर हो चला था। फ़ोन वापस रख जैसे ही वो पलटा तो पीछे एकदम गोरा सा बूढ़ा अपने दोनों हाथ उस टेलीफोन बूथ के बाहर शीशे पर रखकर बड़े गौर से विजू को देख रहा था। उसके चेहरे पर अजीब से दाने उभरे हुए थे। एक बिल्कुल ख़राब सी अधखुली सी आँख से वो लगातार विजू को घूरता जा रहा था। बूढ़े के हाथ जरूरत से ज़्यादा बड़े थे, भद्दे और कटे फटे थे। लंबी लंबी सफ़ेद दाढ़ी के पीछे छिपा उसका चेहरा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, पर जितना भी दिख रहा था उसे किसी भी तरह भूल पाना मुश्किल था। बूथ की दीवार से चिपका हुआ रेंगता विजू किसी तरह बूढ़े से नज़र बचाकर बाहर निकला और बिना पीछे पलटकर देखे विजू ने उल्टे पांव खंडरों की तरफ दौड़ लगा दी। हाँफते हाँफते उसने पीछे मुड़कर देखा तो बूढ़ा गायब हो चुका था। इसके बाद विजू ने जो दौड़ लगाई तो वो सीधा खंडर पहुंचकर ही रुका। सब लोग बड़ी हैरानी से उसे देख रहे थे। वो पानी पानी चिल्ला रहा था और सीधा ज़मीन पर जा गिरा और छटपटाने लगा। गर्मी और छटपटाने से उसका चेहरा तो क्या, पूरा शरीर लाल हो चुका था। किसी तरह उसे वापस सरकारी गेस्ट हाउस पहुंचाया गया, जहां अंधेरा पड़ने तक वही अपने बिस्तर पर पड़ा रहा। रात होते ही इधर रात कीड़ों की किरकिर शुरू हुई और उधर विजू की आंख खुली। उसका सर बुरी तरह चकरा रहा था। दरवाजे पर ठक ठक की आवाज़ हुई तो विजू थोड़ा चौंक गया। पीले बल्ब के रोशनी में लकड़ी का पुराना नीला दरवाज़ा किसी बूढ़े की हड्डियों की तरह काँप रहा था। इससे पहले कि विजू पूछता कौन है, वो दरवाज़ा धीरे से अपने आप खुल गया, पर वहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा था। पर अचानक विजू ने देखा तो ज़मीन से कुछ 4 फुट ऊपर 2 लाल रोशनियाँ चमक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बिल्ली जैसा छोटा सा जानवर वहाँ खड़ा है, पर रात के अंधेरे में ठीक से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। एक पल बाद ही महसूस हुआ जैसे वो 2 लाल रोशनियाँ 2 आँखें हैं जो बाहर के अंधेरे में विजू को लगातार घूर रही हैं। विजू बिस्तर पर चमसा गया था। वो आंखें बड़ी तेज़ी से चमकी और एक तीखी गुर्राहट के साथ इस छोटे से जानवर ने विजू पर बुरी तरह हमला कर दिया। उसका चेहरा, गला, कंधे और छाती बुरी तरह नोचे जा रहे थे और विजू अपनी आंखें बचाने के लिए जी जान से जूझ रहा था। साथ ही उसके गले से भयानक चीखें निकल रही थी। तभी मंगलू भागा भागा अंदर आया और विजू को बुरी तरह झकझोरना शुरू कर दिया। क्या हो गया विजू साहेब, क्या हो गया आपको, आप चिल्ला क्यों रहे हैं? विजू को ऐसे चीखते देख मंगलू भी घबरा गया था। वो बिल्ली या शायद चमगादड़ या उल्लू जाने क्या था, पर वो एकदम अचानक मुझ पर टूट पड़ा और देखो देखो मेरा क्या हाल कर दिया है, देखो मेरा चेहरा, गला, कंधा सब लहूलुहान कर दिया है। विजू ने घबराए हुए से मंगलू को और डरा दिया। मंगलू ने विजू के कंधे को कसकर पकड़ा और बोला, देखिए कुछ नहीं हुआ आपको, कोई निशान नहीं है आपके चेहरे और गले पर, आप तो एकदम ठीक हैं। विजू भागकर सामने पुरानी पीली दीवार पर टंगे छोटे से शीशे में चेहरा यहाँ वहाँ घुमाकर देखने लगा, पर चेहरे पर कोई निशान नहीं थे। अब तक विजू कुछ हद तक संभल चुका था।
मंगलू से अभी गुजरे वाक्य का पूरा हाल जानकर वो काफ़ी शर्मिंदा हुआ और मंगलू से माफ़ी मांगने लगा। रात काफ़ी हो गई है साहेब, आप कहें तो खाना यहीं लगा दूँ, मंगलू ने बात टालते हुए पूछा। अपने साहिब को इस हालत में देखकर उसे भी शर्मिंदगी हो रही थी। नहीं मंगलू, आज रहने दो, आज मन नहीं है, तुम जाकर खाना खाकर सो जाओ। बिजू कुछ देर बस अकेला रहना चाहता था। मौके की नज़ाकत को देखते हुए मंगलू वहाँ से निकल गया। बिजू जाकर बिस्तर पर गिर पड़ा। शायद दोपहर के बाद से बिस्तर पर लेटे लेटे वो उनिंदा सा हो गया। उस छोटे से कमरे में काफ़ी ठंडक हो गई थी। तभी एक बार फिर बिजू की नींद किसी बर्तन के गिरने की आवाज़ से खुली। सामने रखी छोटी सी टेबल से शायद गिलास गिरा था। झल्लाते हुए गिलास उठाने के लिए उठा तो देखा सामने टेबल पर खाना रखा था। खाना ये कौन रख गया? मंगलू को खाना लाने से मना किया था। तभी एक बार फिर उसे दरवाजे पर किसी के होने का एहसास हुआ। उसने दरवाजे की ओर देखा तो शायद मंगलू ही था। अरे मंगलू, ये खाना क्यों लाए हो? मैंने मना किया था ना, जाओ उसे उठाकर ले जाओ, अब सुबह तुम ही ये बासी रोटियां खाना, बिजू ने झल्लाते हुए कहा। पर मंगलू ने कोई जवाब नहीं दिया। वो धीरे धीरे टेबल तक आया, खाने के बर्तन उठाए और चुपचाप दरवाजे से निकल पड़ा। उसके पीछे पीछे बिजू दरवाज़ा बंद करने को आया तो देखा मंगलू हवा में गायब हो रहा था। बिजू की डर के मारे हालत ख़राब हो गई। बड़ी हिम्मत कर उसने दरवाज़ा चटाक से बंद किया और बिना बत्ती बुझाए बिस्तर पर कूद पड़ा। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। नींद तो शायद उसे आना मुश्किल थी। उस डर से भीगी रात में बिजू रह रहकर कमरे की दीवारों पर आंखें दौड़ा रहा था। तभी उसकी नज़र वापस उसी टेबल और कुर्सी की तरफ गई तो उसे लगा जैसे वहाँ कोई बैठा है। उसे महसूस हुआ जैसे कमरे में वो अकेला नहीं है, कोई साया उसके आसपास है, पर वहाँ उसे अपने अलावा कोई दिखाई नहीं दे रहा था। बिजू को लगा जैसे मौत उसके बहुत करीब है। उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली और करवट बदलकर चादर को अपने सर तक खींचकर कांपता हुआ वो किसी तरह सो गया। जेठ की भरी गर्मी में भी वो ऐसे ठिठुर रहा था जैसे दिसंबर की सर्द रात हो। सुबह मंगलू की आवाज़ से उसकी आँख खुली। आप चाय पी लीजिए सर, 9 बज गए हैं, आप उठकर तैयार हो जाइए, 10 बजे तक तो खंडरों पर पहुंचना है। आंखें मलता हुआ बिजू किसी तरह उठा तो रात का हादसा उसकी आंखों के सामने तैर गया। वो बात याद आते ही बिजू जैसे उस कमरे से कहीं भाग जाना चाहता था। वो 10 मिनट में ही तैयार हो गया और मंगलू के साथ सरकारी एम्बेसडर में बैठ खंडरों की ओर निकल पड़ा। अपना ध्यान बदलने के लिए बिजू ने जाते ही खुद को काम में इतना उलझा लिया कि उसे लंच करना भी याद नहीं रहा। रात भर से भूखा होने के बावजूद उसे भूख नहीं सता रही थी। तभी एक बार फिर मंगलू की आवाज़ आई, साहिब आपका फ़ोन है। बिजू फिर से तेज कदमों से टेलीफोन बूथ की तरफ चल पड़ा। उसे रह रह के कल दोपहर वाला वही भयंकर बूढ़ा याद आ रहा था। उसके लिए फ़ोन पर बात करना भी ज़रूरी था। वो किसी से अपनी आपबीती घटना बताना नहीं चाह रहा था। उसे भरोसा तो नहीं था ये जो उसके साथ हो रहा है ये सच है या झूठ, पर कई बार हमारे साथ कुछ ऐसा गुजर जाता है जिससे ना तो हम सच मान पाते हैं और ना ही झूठ। बिजू ने फ़ोन उठाते ही हेलो बोलकर दूसरी ओर से हेलो सुनते ही अपनी बात बताना शुरू कर दी। फ़ोन पर कल की तरह उसकी मंगेतरी थी। 3 से 4 मिनट वो बिना सांस लिए लगातार बोलता रहा। तभी दूसरी ओर से एक मोटी सी मर्दाना आवाज़ गूंजी, बस इतने में ही घबरा गए क्या? अभी तो कुछ बड़ा हो सकता है तुम्हारे साथ, बहुत बड़ा। और इसके साथ ही फ़ोन कट गया। बिजू फ़ोन रखकर पलटा तो आज भी दो आंखें उसे बुरी तरह घूर रही थी, पर यह किसी भयानक बूढ़े की नहीं, एक खूबसूरत लड़की की थी। शीशे के उस ओर खड़ी लड़की ने उसे अपने पास आने का इशारा किया तो सम्मोहित सा बिजू उसके पीछे जाने लगा। जैसे ही बिजू बूथ के बाहर पहुंचा तो उसने बड़े प्यार से उसके नाम से उसे बुलाया। बिजू ये आवाज़ पहचानता था, ये आवाज़ उसकी मंगेतर की थी। क्या तुम मेघा हो? बिजू ने शक पकाते हुए पूछा। हाँ मैं ही मेघा हूँ, उस लड़की ने कहा, पर तुम्हें यहाँ किसने आने दिया? तुम ही ने तो मुझे यहाँ बुलाया है। मैंने कब बुलाया तुम्हें यहाँ? बिजू हैरान था और दिमाग पर जोर डालकर सोच रहा था कि उसने कब मेघा को यहाँ बुलाया, पर तभी देखा तो वहाँ मेघा नहीं बल्कि मंगलू खड़ा था। इसी तरह बिजू के साथ रोज़ कोई ना कोई हादसा पेश आने लगा। लगभग रोज ही वो कुछ ना कुछ देखकर चिल्लाता रहता।
बात जंगल की आग की तरह पूरे जूनागढ़ में फैल गई, बल्कि बात इतनी बढ़ गई कि बिजू की कंपनी ने बिजू को नौकरी से निकालने का फैसला कर लिया। बिजू इस बात से दुखी तो था, पर फिर भी उसे यह तसल्ली थी कि अब वो जल्दी ही जूनागढ़ छोड़ देगा। कंपनी ने दो ही दिन में उसके जगह लेने के लिए नए आदमी को वहाँ भेज दिया। कंपनी का ऑर्डर था कि 7 दिन दोनों एक साथ यहीं रहेंगे, और जब नया आदमी ठीक से बिजू से सारी बात समझ लेगा तो बिजू को वापस बुला लिया जाएगा। मंगलू ने बिजू को बताया कि नया आदमी यानी इंद्र आ चुका है और आज इसी कमरे में बिजू के साथ सोएगा। बिजू अभी खंडरों में ही था। मंगलू की बात का उसने सर हिलाकर जवाब दिया और अपने काम में लग गया। शाम ढलते ढलते बिजू मंगलू को साथ लेकर गेस्ट हाउस की ओर निकल पड़ा। शाम गहराई हुई थी। कच्ची सड़कों पर यहाँ वहाँ सफ़ेद ट्यूबलाइटें जलते बुझते चमक रही थी। तभी अचानक उसकी कार एक झटके से रुक गई। बड़ी तेज ब्रेक लगी थी। अरे ड्राइवर पागल हो गया, ठीक से देखकर नहीं चला सकते? बिजू बुरी तरह झुंझला गया था। दरअसल उसकी नाक सामने सीट पर जाकर लगी थी और अब नाक से खून रिस रहा था। उसने घबराकर गाड़ी में देखा तो मंगलू वहाँ नहीं था, पर मंगलू कहाँ जा सकता है? वो घबराकर गाड़ी से बाहर निकला तो गाड़ी के नीचे उसकी मंगेतर मेघा की लाश पड़ी थी। वो पागलों की तरह चीखता हुआ उसके पास पहुंचा तो वो गाड़ी के साथ बैठी हंस रही थी। उसके हाथ में एक चिट्ठी थी जिसे वो जोर जोर से हिला रही थी। बिजू के पास आते ही उसने वो चिट्ठी बिजू को दे दी। उसके हाथ से वो चिट्ठी लेकर पास जलती एक ट्यूब के नीचे बड़ी मुश्किल से बिजू वो चिट्ठी पढ़ने लगा। चिट्ठी में लिखा था, प्यारे बिजू तुम कैसे हो? आशा है अच्छे होगे। बिजू आज तुम्हें यहाँ देखकर बड़ा अफसोस हो रहा है। मैंने तुम्हारी कंपनी को कितनी बार इन खंडरों में आने से मना किया है, पर वो है कि मानते नहीं। अब ऐसी कौन सी दौलत है जिसे पाने के लिए इतने आदमियों की जान चली जाए? बिजू तुम जानते हो कि जब से तुम यहाँ आए हो तुमने मेरा घर उजाड़ने की पूरी कोशिश की है, और तुम ही क्या इन खंडरों में आज तक आने वाले हर आदमी को मैंने समझाने की कोशिश की है, पर तुम लोग हो कि समझते ही नहीं। मेरे बार बार मना करने पर भी यहाँ चले आते हो। बिजू ने अभी इतना ही पढ़ा था कि तभी ट्यूबलाइट बंद हो गई। शायद पूरे इलाके की बिजली चली गई थी। बिजू ने गाड़ी की ओर देखा तो गाड़ी वहाँ नहीं थी। पर यह कैसे हो सकता था? बिजू तो गाड़ी में बैठकर यहाँ आया था, और वो अकेला नहीं, साथ में ड्राइवर और मंगलू भी थे। तभी एक आवाज़ गूंजी, पीछे देख बिजू। बिजू ने घबराते हुए पलटकर देखा तो फिर वही दो लाल आंखें उसे घूर रही थी। इस बार वहाँ कोई जानवर नहीं बल्कि कोई इंसानी साया था। अंधेरे में ठीक से दिख नहीं रहा था, पर सड़क के उस पार कच्ची मिट्टी पर कोई सफ़ेद सा साया हवा में तैरता दिख रहा था। कौन हो तुम? वहाँ से कोई जवाब नहीं आया, पर अचानक दिखा कि वो साया किसी का नहीं बल्कि मंगलू का था। मंगलू तुम? और तभी उस साये ने नई शक्ल इख्तियार कर ली। अब उसकी जगह मेघा खड़ी थी। इसके साथ ही उस साये ने चेहरे बदलने शुरू कर दिए और बोला, बेचारा बिजू कितना अच्छा आदमी था, पर अपनी कंपनी के लालच को समझ नहीं पाया और मर गया। मर गया? पर कैसे मर गया? देखो मैं तो जिंदा हूँ, बिजू ने साये की बात काटते हुए कहा। मर तो तू तभी गया था जब तूने पहली रात जूनागढ़ के अपनी कंपनी के गेस्ट हाउस के कमरे में बिताई थी। मैंने मंगलू के रूप में अपने हाथों से तुझे जहर भरा खाना खिलाया था जिससे तेरी मौत उसी रात हो गई थी, और तेरी ही क्या, उस खंडर की ओर आने वाला कोई आदमी कभी जिंदा नहीं लौटा। मैं छलावा हूँ जो इस खंडर और इसके आसपास के इलाके में भटकता रहता है। सभी लोगों की जानी पहचानी आवाज़ों में मैं सुनसान रास्तों पर उन्हें पीछे से आवाज़ देकर बुलाता हूँ। उनके जाने पहचाने लोगों की शक्लों में उन्हें नज़र आता हूँ। जैसे ही कोई भी पलटकर देखता है मैं उसके पीछे लग जाता हूँ, और तब तक नहीं छोड़ता जब तक वो मेरी तरह छलावा नहीं बन जाता। इससे पहले कि बिजू कुछ कहता, सामने से आती एक साइकिल पर बैठा आदमी उसके आर पार निकल गया। कहते हैं बिजू के गायब होने के बाद उसकी कंपनी ने जूनागढ़ में हमेशा के लिए काम रोक दिया। एक बार कुछ बच्चे भटककर खंडरों में गलती से पहुंच गए तो देखा वहां काफ़ी कंकाल पड़े थे। यहां तक कि मंगलू और बिजू का कंकाल भी पुलिस ने गेस्ट हाउस से बरामद कर लिया था। पर कहते हैं बिजू की जगह काम संभालने के लिए पहुंचे इंद्र को भी जूनागढ़ पहुँचने के बाद किसी ने नहीं देखा। पर जूनागढ़ में रहने वाले बताते हैं कि
आज भी उन खंडरों की ओर से पत्थर तोड़ने और आदमियों के चिल्ला चिल्ला कर बात करने की आवाज़ें आती हैं। दूर दूर तक छलावे के डर से लोग उन सड़कों से अकेले गुजरने में कतराते हैं। रात में उस इलाके में कोई किसी को पीछे से आवाज़ देकर नहीं बुलाता, पर सन्नाटे में आने जाने वालों को पीछे से गहरी सी आवाज़ सुनाई देती है, और जो पीछे मुड़कर देख लेता है उसका शरीर तो खत्म हो ही जाता है, साथ ही उसकी आत्मा भी उस छलावे के चंगुल में फंसकर रह जाती है। अगर आपको रात में किसी सुनसान सड़क पर कोई पीछे से बुलाए तो कभी पलटकर मत देखना, हो सकता है वो छलावा हो। आज की कहानी यहीं खत्म होती है दोस्तों। अगर कहानी सुनकर मज़ा आया हो तो इसे खुद तक ना रखें, आगे दोस्तों के साथ शेयर करें और कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मिलता हूँ आप सभी से अगली कहानी में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।